नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त 10 का एजेंडा का है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां निकाय चुनाव को लेकर मैदान में भारतीय जनता पार्टी है और आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी तैयार करेंगे रोड मैप और आज नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। आगरा में ब्रिज क्षेत्र की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे और कल वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। तो कल वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक में धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। कल कानपुर में अवध क्षेत्र की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो अब लगातार पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है, बैठकों का दौर जारी है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम कहें तो बीजेपी लगातार एक्शन और इलेक्शन मूड में चलती है और ये बातें लगातार निकलकर सामने आई। हालांकि अब भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर चला रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने और सीधे तौर पर चूंकि अगले 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चाहे वो निकाय के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी होकर आए, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, कैसे लोगों के बीच जाया जाए, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों से संवाद किया जाए, किन चीजों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, उनके जवाब किस तरीके से दिए जाए, ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह है, वो भी अभी अपना कार्यभार संभाले हैं और वो लगातार कहीं न कहीं बैठकों का दौर चला रहे हैं। जहां तक हम देखें तो एक राउंड की बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री कर चुके हैं, ये दूसरे राउंड की बैठकें हैं जो लगातार चलेंगी, जिसमें जो बीजेपी ने 6 क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जिसमें काशी, ब्रज, अवध, साथ ही साथ पश्चिम और पूर्वांचल, गोरखपुर, कानपुर, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र आते हैं, उन को लगातार कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चल रहा है। जहां तक हम भूपेंद्र चौधरी की बात करें, वो कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठकें करेंगे, मतलब दो क्षेत्रों की बैठकें भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करेंगे। बाकी जो काशी है, पश्चिम है और गोरखपुर क्षेत्र है, उसकी बैठकें जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल करेंगे। इसी क्रम में भूपेंद्र चौधरी जहां कल से अपनी बैठक शुरू करने वाले हैं, वहीं धर्मपाल सिंह पश्चिम से अपनी बैठकें शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है कि विपक्ष के ऑप्शन में अपने संगठन को मजबूत किया जाए और एक मजबूत संगठन के जरिए जहां निकाय चुनाव में जीत हासिल की जाए, वहीं 2024 के लिए भी अपनी बुनियाद को मजबूत किया जाए। ऐसे में एसके वाजपेयी, नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और जो संगठन महामंत्री हैं उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी और उनके लिए ये निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनौती और एक परीक्षा के तौर पे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो एक तरीके का लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो ज्यादातर जो नगर निगम है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और बीजेपी के ज्यादातर मेयर पूरे प्रदेश भर में तैनात हैं, जितने भी नगर निगम हैं। अगर एक या दो नगर निगम को हम छोड़ दें तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार है और एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी होगा। 2024 से पहले इस तरीके का चुनाव पूरे प्रदेश भर में होना है तो सीधे तौर पर चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों को जिताया जाए ताकि 2024 की जीत की इबारत अभी से लिखी जाए, जिसको लेकर संगठन महामंत्री हो या फिर बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, खास तौर पर अपनी रणनीति को उस हिसाब से कार्यकर्ताओं तक और पदाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश है जिस हिसाब
हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 2024 के मिशन को लेकर चल रही है। जी ठीक है, इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां 2024 चुनाव के लिए मोर्चे पर यूपी बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और कमजोर बूथों के लिए बीजेपी ने अलग से रणनीति बनाई है। 24,000 कमजोर बूथों पर कमल खिलाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा टारगेट है। और बूथ सशक्तिकरण का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। पीएम मोदी की योजनाओं का पार्टी प्रचार करेगी, प्रसार करेगी और योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो पहले पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा में 1.24 लाख बूथों पर सफलता मिली थी और 1,63,000 बूथों में से 1,24,000 बूथ पर सफलता मिली थी। अब 24,000 बूथों पर यूपी बीजेपी का जो फोकस है वो रहेगा, यानी वो बूथ जहां पे पिछली दफा पार्टी कमजोर रही थी अब उनको मजबूत करने की कवायद जो है वो यहां पे भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई देगी। अब लगातार 2024 को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, समीकरण, समीक्षाएं, बैठकें, रणनीति, ये दौर जो है वो लगातार देखा जा रहा है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ एस के वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, 24 चुनाव को लेकर पिछली दफा पार्टी जहां पे जिन बूथों पे कमजोर थी, इस बार उन बूथों पे जोर रहने वाला है कि कैसे वहां पे बेहतर प्रदर्शन किया जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रदेश के 1,63,000 बूथों तक बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और कोशिश भी यही है कि सभी जो बूथ हैं वहां तक अपने पन्ना प्रमुख हों, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हों या बाकी के जो बूथ कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनके नेटवर्क को तैयार कर लिया जाए। लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 1,63,000 बूथों तक अपने नेटवर्क को तैयार कर लिया है। लेकिन 24,000 इन पूरे 1,63,000 बूथों में से 24,000 बूथ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आते हैं या फिर उन जगहों से आते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस जैसे दलों का प्रभुत्व रहा है और लगातार इन पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां से जीतते रहे हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी 2024 को लेकर इन 24,000 बूथों के लिए भी एक अलग रणनीति बनाकर चल रही है, जिसमें चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री मोदी के फेस को लेकर यह चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर इसमें केंद्र सरकार की ज्यादातर योजनाओं को शामिल करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिसमें केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए, चाहे वो उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन देने की बात हो, समग्र ग्राम विकास योजना के जरिए लोगों तक घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, या उसके अलावा किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या उसके अलावा जो किसानों के लिए विभिन्न जो फसलों से जुड़ी हुई स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें हो, तो ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाएगी, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक और जो मंत्री 24,000 बूथों से आते हैं उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इन 24,000 बूथों में जाएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही थी, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ बड़े पैमाने पर इन लोगों को दिया गया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो 2019 में जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी और सीधे तौर पर कांग्रेस के हाथ सिर्फ एक सीट लगी थी, तो ये वो रणनीति होगी कि उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2024 में अपनी जीत दर्ज करे, उसको लेकर ये 24,000 बूथों की रणनीति बनाई गई है। हालांकि अगर हम बात करें रामपुर की सीट की तो वो भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत चुकी है और आजमगढ़ सीट भी जो कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास थी वो भी अब बीजेपी के पाले में है। अब देखना यह है कि इन 24,000 बूथों को लेकर बीजेपी किस तरीके से लोगों के बीच जाती है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के इलेक्शन में मिलता है। चूंकि एस के वाजपेयी, तमाम समीकरण भी यहाँ पे पार्टी बना रही है, एक कोशिश तो ये कि सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वो कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, दूसरी ये कि जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा गया, हमने देखा कि पश्चिम को साधने के लिए, जाटों को साधने के लिए, किसानों को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, तो ये हर फॉर्मूले को अपना के कोशिश यही है कि कैसे जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत किया जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है क्योंकि अगर हम देखें तो पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, अगर हम अवध की बात करें तो ब्रजेश पाठक आते हैं, साथ ही साथ अगर हम पश्चिम क्षेत्र की बात करें जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता रहा है, पहले के चुनाव में भी और इस चुनाव में भी, तो पश्चिम पर बीजेपी का खासा फोकस है, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या बीजेपी के संगठन महामंत्री हों, दोनों पश्चिम से हैं, तो कहीं ना कहीं और जो लगातार बैठकें चल रही हैं, जब धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश
बिल्कुल बीजेपी प्रदेश महामंत्री, यानी पश्चिम पे ज्यादा फोकस पार्टी का रहने वाला है। वो बूथ जहां पे पिछली दफा कमजोर थे और पश्चिम खासकर एजेंडे में रहने वाला है। एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो अब चूंकि आगे बढ़े और बात अगर करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज से वो दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और दोपहर बाद गोरखपुर वो पहुंचेंगे और सीएम योगी के यहां पे कई कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शामिल होंगे। तो योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसके अलावा महंत अवैधनाथ की भी पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम है और श्री राम कथा का भी शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और लगातार वो एक्टिव रहे हैं, पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में दौरा करते रहे हैं, वहाँ की समीक्षाएं करते रहे हैं, वहाँ के ज़मीनी हालात को देखते रहे हैं। कोशिश यही कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, और यही वजह है कि आज निवेशकों का भरोसा भी उत्तर प्रदेश पे है और कई कीर्तिमान स्थापित उत्तर प्रदेश ने किए हैं, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, सुरक्षा, सुशासन, कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। तो हमारे साथ इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ एस के वाजपेयी भी हैं लखनऊ से और हरेंद्र दुबे हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, आज मुख्यमंत्री गोरखपुर आ रहे हैं, दो दिन का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 बजे के बाद गोरखपुर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और खासतौर से आपको बता दें कि महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पूरी तिथि साप्ताहिक समारोह मनाया जा रहा है जिसमें वो राम कथा का प्रतिदिन कथा होती है और शुरू आज होगी है जिसमें वो शिरकत करेंगे। खासतौर से आपको बता दें कि ये पारंपरिक रूप से गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृत भवन में कार्यक्रम आयोजित होता है और इसमें गोरखपुर की जनता पर चढ़ करके कथा सुनने के लिए पहुंचती है और आज उसका शुभारंभ है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात रही कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, खासतौर से बाढ़ को लेकर के क्या तैयारी रही और किस तरह से बचाव रहा, चूंकि बाढ़ तो नहीं आई, दूसरी तरफ कितने सूखा हुए, क्या कितने परसेंटेज क्या रहा, किन योजनाओं को कहां तक पहुंची है, कहां अधूरी है, उस पर लेकर के चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। आपको बता दें कि सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में लगाएंगे और पूर्वांचल के अनेक जिलों से अपनी फरियाद लेकर के पहुंची जनता की फरियाद को सुनेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। तो दो दिवसीय दौरे का जो उनका गोरखपुर में ये कहा जाए मेगा प्लान बना है, इस मेगा प्लान में काफी सुविधा पूर्वांचल की जनता को मिलने के आसार हैं और जब जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर से पूर्वांचल की जनता को कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर देते हैं और इस बार भी देने का काम करेंगे। ठीक है, एस के वाजपेयी भी हमारे साथ। एस के वाजपेयी, मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और कोशिश ये है कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, गोरखपुर की धरती से क्या संदेश देने की उनकी कोशिश होगी? क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अभियान चला रहे हैं सरकार आपके द्वार, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के विभिन्न मंडलों और जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गोरखपुर का दौरा लगातार करते रहते हैं क्योंकि उनका गृह जनपद है और वो उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ ही गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और जिस तरीके से उनके गुरु महंत अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ की जो पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम है जिसमें भगवान श्री राम कथा का पाठ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और हालांकि शाम को मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक भी करनी है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के जो आसपास के जिले हैं उनमें किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उन पर कितना काम जमीनी स्तर पर हो रहा है, इसका फीडबैक जब जब पहुंचते हैं वो लेते रहते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल की समीक्षा करेंगे जिसमें अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंट कितना हो सका है। और खास तौर पर अगर हम गोरखपुर की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर में विभिन्न योजनाएं चला रही है, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, संस्कृति विभाग से संबंधित हो, साथ ही साथ विकास की अन्य परियोजनाएं भी लगातार गोरखपुर में चल रही हैं। तो उन सभी की जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानेंगे। हालांकि रात्रि विश्राम गोरखपुर में ही होगा और कल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन करेंगे, जो कि वो जब जब गोरखपुर या लखनऊ रहते हैं तो दोनों जगहों पर करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश में चल रही है उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, जिन चीजों का वायदा है उनको भी समय के साथ पूरा करके एक संदेश दिया जाए। तो इस क्रम में मुख्यमंत्री का आज ये दौरा गोरखपुर का होने वाला है। जी चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। हरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां देश में बेरोजगारी से लड़ने में यूपी नंबर वन है और सीएम योगी की सख्ती के बाद निवेशकों का जो भरोसा है वो यहां पे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर सबसे ज्यादा काम हुआ है, केंद्र की योजनाओं को भी जोड़ने में अहम भूमिका रही है और बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में आधे से भी कम है। तो अगस्त महीने में देश में बेरोजगारी 8.3% जबकि उत्तर प्रदेश में 3.9% रही। छोटी कंपनियों से रोजगार का बड़ा सहारा रोजगार को मिला और यूपी में सर्वाधिक 111 कैरियर सेंटर संचालित हो रहे हैं। यूपी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ई श्रम पोर्टल पे 8.2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 6.30 करोड़ एमएसएमई कंपनियों में 90 लाख यूपी में राष्ट्रीय औसत से अधिक मनरेगा में रोजगार मिला है और बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश हुआ है। धरातल पे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, कई रिकॉर्ड बना रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में चूंकि मुख्यमंत्री का सुरक्षा पे, सुशासन पे और कनेक्टिविटी पे खासा जोर रहा है, क्या यही वजह है कि निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ा है और रोजगार को लेकर एक नया रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश ने बनाया है? बिल्कुल, अगर हम देखें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग स्टडीज की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और वजह भी साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा और शिक्षा को लेकर काम किया है, कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर अब बेहतर दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से सीधे तौर पर स्पष्ट होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एमएसएमई जो कि पूरे देश भर में हम देखें तो 6.30 करोड़ के करीब है, जिसमें से 90 लाख एमएसएमई इकाइयां केवल उत्तर प्रदेश में हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है, हालांकि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, लेकिन कहीं ना कहीं 90 लाख एमएसएमई की इकाइयां ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ओडीओपी और एमएसएमई के जरिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और यही एक वजह है कि जो उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन केवल 87,000 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए 2021 के सत्र में हुआ है। दूसरी अगर हम बड़ी चीज देखें तो सीधे तौर पर जो बेरोजगारी देश की है, जो बेरोजगारी दर है वो 8.3% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जिसमें सर्वाधिक अगर हम देखेंगे तो राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे जिले हैं, बिहार जैसे प्रदेश हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये 3.9% है, जो कि देश की बेरोजगारी दर के आधी है, आधे से भी कम है। तो निश्चित तौर पर ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार सीधे तौर पर जो प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी को लेकर सेंटर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी संख्या 111 है, जो कि देश में सर्वाधिक है, ये बहुत सारे आंकड़े हैं। अगर असंगठित क्षेत्र के हम मजदूरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा करीब 2.5 करोड़ के करीब मजदूरों ने केंद्र के श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के पास जो श्रम विभाग है उसका एक बड़ा नेटवर्क है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कानून व्यवस्था हो, ये और बेरोजगारी दर को घटाने के साथ ही जो माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार किया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा निवेशक आकर्षित उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नए नए जो रिकॉर्ड हैं उत्तर प्रदेश वो बना रहा है और यहाँ पे निवेशकों का भरोसा जीतने में भी यूपी नंबर वन है। आगे बढ़ते हैं, यूपी पुलिस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यूपी सरकार ने डीजीपी के लिए 42 अफसरों के नाम भेजे हैं और डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजा गया है। 30 साल की सेवा पूरी कर चुके 42 अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। पैनल में 1992 बैच तक के सभी आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिसमें आरपी सिंह और रियल मीणा का अगले साल चूंकि रिटायरमेंट है।
पैनल में 1992 बैच तक के सभी आईपीएस अफसरों के नाम हैं। तो यूपी पुलिस से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जिसमें कई नाम यूपी सरकार ने डीजीपी के लिए 42 अफसरों के नाम भेजे हैं। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, चूंकि बताया जा रहा है कि 42 नाम है जो डीजीपी के लिए पैनल को भेजे गए हैं। तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि इसमें कौन से बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं इस सूची में, जिसमें 42 अफसरों के नाम हैं और डीजीपी की रेस में कौन आगे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स की रेड है और आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी हो रही है और देश भर में करीब 50 ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड है। यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है और दिल्ली के कई कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। जयपुर में भी कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की गई है। तो यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड है, तो दिल्ली के कई कारोबारियों पर भी आईटी की छापेमारी जारी है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से एक्टिव, कई जगह छापेमारी, क्या कुछ जानकारी? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो बता पाएं विस्तार से कि कहां कहां किस किस छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ कहा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी हो रही है इनकम टैक्स विभाग की और देश भर में करीब 50 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीम ने, अलग अलग टीमों ने छापे मारे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 से ज्यादा ठिकाने शामिल हैं। तो दिल्ली के कई कारोबारियों पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। जयपुर में भी कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है, यानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कई दूसरे जगहों तक आईटी जो है, इनकम टैक्स विभाग जो है, आयकर विभाग, वो पूरी तरह से एक्टिव है और कई जगह छापेमारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, यहां पर अलग अलग टीमें जिन्होंने रेड की है और देश भर में करीब 50 ठिकानों पर एक साथ आईटी ने छापा मारा है। यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर यह रेड की गई और दिल्ली के कई कारोबारियों पर भी आईटी की छापेमारी जारी है। पिछले कई दिनों में कई जगह इस तरह से इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे हैं, जहां टैक्स चोरी की शिकायतें, गड़बड़ी की शिकायतें और कई तरह के अनियमितताओं के जो मामले थे, उसको देखते हुए इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से एक्टिव है और देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों में कई जगह रेड मारी गई, छापा मारा गया। तो देश भर में करीब 50 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है और यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर विभाग ने छापा मारा है। दिल्ली के कई कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जिन पे गड़बड़ी का आशंका, गड़बड़ी की संभावना, गड़बड़ी की शिकायतें, टैक्स चोरी, अनियमितता, गड़बड़ झाला, और इसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश भर के करीब 50 ठिकाने जहां पे एक साथ छापा मारा गया। तो यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी ने रेड की है और इसी तरीके से दिल्ली भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है और उत्तराखंड भी। और पीयूष हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर आपको आवाज मिल रही है, तो देश में 50 ठिकानों पे आईटी ने छापा मारा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज देश के अलग अलग इलाकों में करीब 50 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में आईटी की टीम पहुंची है और दिल्ली के कई कारोबारियों को टैक्स चोरी मामले में
कई कारोबारी इनकम टैक्स की रडार पे हैं, जयपुर में भी कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में मिड डे मील में कमाई करने वाले कई जो लोग हैं उनके वो रडार पे हैं इनकम टैक्स के। अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और मिड मिल कारोबारी समूह पर आयकर का छापा पड़ा है और करीब करीब 53 जगहों पे अभी जो सूचना मिल रही है आईटी की टीम पहुंची है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी आयकर की रेड में शामिल है, 100 से ज्यादा गाड़ियां इस पूरे रेड में लगाई गई है। चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो एक साथ 50 ठिकानों पर देश भर में छापा मारा गया। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है और सूखे से परेशान किसानों के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए हैं और 75 जिलों में 75 टीमें सर्वेक्षण के लिए काम करेंगी। सभी डीएम को एक हफ्ते में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही बरतने देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेही होगा। और उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। ट्यूबवेल की बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी। दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो सिंचाई विभाग नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो सूखे से प्रभावित किसानों के लिए ये एक राहत की खबर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।